मैं उसम से रली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। आज हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला पार्ट टू की। हमने केमिकल फॉर्मूला पार्ट वन की बात करी थी, तो उसमें अगर आपने केमिकल फॉर्मूला पार्ट वन लिखने का तरीका जो हमने बताया था, अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज जो भी केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका हमने बताया था, उसमें जो भी केमिकल फॉर्मूला छूट गया था उसकी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर रूल्स की बात करें तो फिर से रूल्स एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूं कि यदि किसी केमिकल फॉर्मूला को लिखते समय केवल केमिकल नेम दिया गया हो, रासायनिक नाम दिया गया हो, तो उसमें मौजूद किसी भी एलिमेंट और रेडिकल के सिंबल को सबसे पहले लिखते हैं। रूल नंबर टू कहता है कि जब सिंबल को लिख लिया जाता है तो सिंबल का वैलेंसी यानी किसी एलिमेंट या रेडिकल का उसके बाद उस वैलेंसी लिखा जाता है और फिर एक दूसरे एलिमेंट या रेडिकल का वैलेंसी क्रिस क्रॉस के हेल्प से एक दूसरे का वैलेंसी लिखा जाता है और केमिकल फॉर्मूला फाइनली कंप्लीट होता है। तो चलिए हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो भी कल एग्जांपल छूट गया था। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें और लिखे हम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, नाइट्रेट का जो सिंबल होता है NO3 होता है, सोडियम की वैलेंसी एक होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी भी एक होती है, इसलिए जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो नाइट्रेट की वैलेंसी सोडियम के पास और सोडियम की वैलेंसी नाइट्रेट के पास जाएगी। देयरफॉर फाइनली जो केमिकल फॉर्मूला होगा सोडियम नाइट्रेट का होगा NaNO3। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सोडियम नाइट्रेट को आखिर NaNO3 ही क्यों लिखते हैं। दूसरा, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात हो, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में यहां आपको एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का सिंबल O, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है तीन होती है, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है जो दो होती है, तो फिर से क्या करेंगे, आड़ा तिरछा करेंगे यानी क्रिस क्रॉस करेंगे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास, देयरफॉर जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वह Al2 और O3 होगा। अब इससे आपको जाहिर हो गया होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आखिर Al2O3 क्यों लिखते हैं। तो जिंक कार्बोनेट और आपसे पूछे कि आखिर इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो जिंक का जो वैलेंसी होता है, सॉरी जिंक का जो सिंबल होता है Zn, कार्बोनेट को CO3 लिखते हैं, जिंक की जो वैलेंसी होती है दो होती है, कार्बोनेट की भी दो होती है, यहां से अगर आप क्रिस क्रॉस करें तो फाइनली Zn2 CO3 ट्वाइस बनेगा, दो दो दोनों में कॉमन है इसलिए इसके HCF से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर डिवाइड करें तो फाइनली आपका जो केमिकल फॉर्मूला होगा जिंक कार्बोनेट का ZnCO3 बनता है। अब जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दे, सोडियम या ऐसे कह दे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरिलियम का जो सिंबल होता है Be, हाइड्रोक्साइड का OH, और बेरिलियम का जो वैलेंसी होता है वो दो, हाइड्रोक्साइड का एक, देयरफॉर क्रिस क्रॉस अगर करें तो कितना होगा Be OH ट्वाइस होगा। इस तरीके से आपको अब मालूम हो गया होगा कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को आखिर BeOH ट्वाइस क्यों लिखते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, जैसे आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट में आयरन का सिंबल जो होता है Fe और सल्फेट का SO4, आयरन की जो वैलेंसी होती है दो, सल्फेट में हमेशा दो, तो क्या होगा क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा Fe2SO4 ट्वाइस, दोनों में दो कॉमन है इसलिए इसके HCF से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा Fe2SO4 होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अगर आपसे कह दे लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड में लेड का जो सिंबल होता है Pb, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन,
लेड का जो वैलेंसी होता है दो, ऑक्सीजन का वैलेंसी जो होता है दो, तो फाइनली बनेगा क्या PB2O2। अब दोनों में दो कॉमन है इसलिए इसके HCF से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा आपका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा PbO। नेक्स्ट, अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड दिया गया, जिंक ऑक्साइड लिखा हो तो जिंक का जो सिंबल होता है Zn, ऑक्सीजन का ऑक्साइड का O, जिंक की वैलेंसी दो, ऑक्सीजन की कितनी दो, क्रिस क्रॉस करेंगे क्या होगा Zn2O2 और इसके HCF से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 1 2 2 1 2, देयरफॉर ZnO जिंक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होगा। अब अगर जैसे लिथियम हाइड्राइड कहते, तो लिथियम हाइड्राइड यहां देख रहे हैं लिथियम का सिंबल क्या होगा Li, हाइड्राइड का जो सिंबल होता है मतलब हाइड्राइड, यहां हाइड्रोजन की बात हो रही है और हाइड्राइड का मतलब यह है कि हाइड्रोजन यहां नेगेटिव आयन के रूप में मौजूद होता है। एक्चुअली कभी भी हाइड्रोजन हमेशा केटायन और एनायन दोनों स्टेट में पाया जाता है, तो यहां हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन यहां नेगेटिव आयन मतलब एनायन के रूप में मौजूद है, तो यहां हम हाइड्रोजन का सिंबल लिखते हैं। तो लिथियम की वैलेंसी कितनी एक होती है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी एक होती है, इसलिए जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा लिथियम वन, मतलब लिथियम की वैलेंसी एक हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक लिथियम के पास, तो क्या होगा LiH, यानी लिथियम हाइड्राइड का केमिकल फॉर्मूला LiH होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल, अभी बहुत सारे एग्जांपल बाकी हैं, जैसे अगर आपसे कह दे कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट तो क्या होगा कॉपर का सिंबल Cu, नाइट्रेट का NO3, तो कॉपर का जो वैलेंसी होता है दो, नाइट्रेट का एक, तो इसलिए क्रिस क्रॉस करेंगे क्या बनेगा CuNO3 ट्वाइस। अब इसी तरीके से अगर पोटेशियम नाइट्राइड की बात करते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड, तो पोटेशियम का सिंबल के नाइट्राइड को NO2 लिखते हैं, यह याद रखिएगा नाइट्रेट को NO3 लिखते हैं जबकि नाइट्राइड को NO2 लिखते हैं। पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है एक, नाइट्रेट की भी वैलेंसी एक होती है, इसलिए जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा KNO2, तो यहां पोटेशियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला KNO2 होगा। अब जैसे अगर आपके पास कह दे हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आप यहां देख रहे हैं पॉजिटिव केटायन है मतलब केटायन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है एक, फ्लोरीन का भी एक, क्रिस क्रॉस करेंगे क्या होगा HF। इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला आखिर HF क्यों लिखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें, तो जैसे अगर आप कह दे कि मीथेन यानी कि कार्बन टेट्राहाइड्राइड, कह दे कार्बन टेट्रा हाइड्राइड, तो कार्बन मतलब कार्बन का सिंबल C, टेट्रा कभी भी न्यूमेरल वैल्यू को नहीं लिखते हैं, हाइड्राइड का मतलब यहां हाइड्रोजन एनायन के रूप में मौजूद है इसलिए सिंबल क्या होगा H होगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है चार, हाइड्रोजन के एक परमाणु की एक मतलब एक एटम का एक, इसलिए क्रिस क्रॉस जब करेंगे तो क्या होगा C1H4, देयरफॉर क्या होगा CH4, और इसी को आप मीथेन भी लिखते हैं और इसी मीथेन गैस को फायर डैम और मार्स गैस भी कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट की बात करें जैसे कह दे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा Al, हाइड्रोक्साइड का OH, और वैलेंसी जब लिखते हैं तो एल्यूमिनियम की तीन और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी एक होती है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा Al1 और OH3।
तो इसलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है AlOH थ्राइस होता है। अगर बात करें सिलिकॉन सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड की तो सिलिकॉन का सिंबल SI, हाइड्रोक्साइड का OH, वैलेंसी लिखते हैं सिलिकॉन की 4, हाइड्रोक्साइड की कितनी 1, देयरफॉर क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा SI OH और यहां 4 लिखते हैं। नेक्स्ट जैसे अगर पूछ रहे आपसे नाइट्रोजन हाइड्राइड नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड तो नाइट्रोजन का जो सिंबल N ट्राई निवेरण वैल्यू को नहीं लिखते हैं, हाइड्राइड का मतलब यहां हाइड्रोजन एनायन के रूप में मौजूद है तो हमने H लिखा नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी यहां 1 होगी, देयरफॉर आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा N1H3 और इसी NH3 को यानी नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड जो हमने केमिकल फॉर्मूला लिखा है इसी NH3 को अमोनिया गैस भी कहा जाता है। जैसे अगर आपसे कह दे हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी को कार्बोनिक एसिड भी कहा जाता है, या अगर ऐसे कह दे कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिकम, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन की वैलेंसी H, कार्बोनेट की वैलेंसी CO3, हाइड्रोजन का जो सिंबल H, कार्बोनेट का CO3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बोनेट का कितना 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो फाइनली क्या होगा H2CO3 जिसे कार्बोनिक एसिड भी कहा जाता है। एसिडिक ग्राइंडिंग यानी अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोनिक एसिड की होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन सल्फाइट तो हाइड्रोजन की जो सिंबल होगी हाइड्रोजन का सिंबल होगा H, सल्फाइट का SO3 लिखते हैं, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है 1, सल्फाइट का 2, देयरफॉर क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा H2SO3 इसी को सल्फोनिक एसिड भी कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपसे कह दे लेड सल्फेट तो क्या कहेंगे लेड की जो सिंबल होती है PB, सल्फेट का SO4, लेड का वैलेंसी 2, सल्फेट का भी 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा PB2SO4 twice, दोनों के पास 2-2 कॉमन है, दोनों के HCF से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा फाइनली जो आपका केमिकल फॉर्मूला होगा PbSO4 होगा। अगर सोडियम जिंकेट कहें तो सोडियम जिंकेट में सोडियम का जो सिंबल होता है Na, जिंकेट का जो सिंबल होता है ZnO2 होता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, जिंकेट की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट का जो केमिकल फॉर्मूला होगा Na2ZnO2 होगा। अब जैसे अगर कह दे एल्यूमिनियम फॉस्फेट तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट में एल्यूमिनियम का सिंबल Al, फॉस्फेट का PO4। अब देखिए यहां एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है 3, फॉस्फेट की भी 3 वैलेंसी होती है तो क्रिस क्रॉस जब करेंगे तो क्या बनेगा Al3PO4 thrice बनेगा, दोनों में 3 कॉमन है तो इसलिए दोनों के 3 यानी दोनों 3 HCF से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा AlPO4 यानी कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला AlPO4 होगा। तो फाइनली अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे।